मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने किसानों का बकाया गन्ना भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें कहा गया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान सत्र का गन्ने का भुगतान बकाया है, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपने बच्चों की स्कूल फीस, शादी विवाह और दवाई के साथ ही दैनिक खर्चों के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसके अलावा ज्ञापन में बिजली कटौती की समस्या भी उठाई गई। आरएलजी नेताओं ने कहा कि भीषण गर्मी में लोग लू की चपेट में आ रहे हैं और हीट वेव के प्रकोप से उनकी मौत भी हो रही है। बलिया जनपद में सैकड़ों लोग काल के गाल में समा चुके हैं। इस स्थिति में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती जनता के साथ घोर अन्याय है। घरों में छोटे छोटे बच्चे बिजली के अभाव में तड़पते रहते हैं, इसलिए उनकी मांग है कि विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कराकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही किसानों का संपूर्ण बकाया गन्ना भुगतान ब्याज सहित अविलंब दिलाया जाए। किसानों का जो बकाया गन्ने का भुगतान है काफी विलम्ब हो गया है, कुछ मिलों का तो पिछले साल का बहुत भारी तादाद में है। तो राष्ट्रीय लोकदल की मांग है कि तत्काल, जो मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं गन्ने का पेमेंट लगभग सब कर दिया गया है, तो भारी मात्रा में गन्ने का पेमेंट अभी नहीं हुआ, उसका गन्ने का पेमेंट कराया जाए। जो बिजली की समस्या चल रही है, बार बार भाग रही है अखबारों में आ रहा रोज कि 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 18 घंटे बिजली दे रहे हैं, उस संबंध में बिजली को सुधारा जाए। किसे ज्ञापन देंगे आज? हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे। और अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या रणनीति? जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करेंगे।